हो गया स्टार्ट। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब लोग। सो गाइस, मेरा नाम है अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं वेदांतु मेड इजी चैनल पे, और ये चल रहा है वार्म अप सीरीज। यस गाइस, हमें पता है वर्ल्ड कप शुरू हो गया, हमारी टीम ऑलरेडी वर्ल्ड कप के लिए जा चुकी है, ठीक है, और उन्होंने वार्म अप मैच खेले थे। ऐसे ही जैसे हर एक टीम वर्ल्ड कप की यू नो मेन मैचेस के पहले वार्म अप करते हैं, हम लोग हमारी ऑनलाइन पाठशाला के जो लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं उनसे पहले वार्म अप कर रहे हैं। ऐसे टॉपिक कर रहे हैं बेसिकली जिनसे आपको क्या हो, केमिस्ट्री में आगे हेल्प मिले आपके, फिजिक्स में आगे हेल्प मिले, बायो में आगे हेल्प मिले। सो आज हम लोग केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, सबसे जेनरिक टॉपिक कर रहे हैं, सबसे जेनरिक टॉपिक पीरियोडिक टेबल। पूरे साल भर आपको 11th और 12th में सबसे ज्यादा हेल्प करेगी, सबसे ज्यादा काम देती है। इनफैक्ट पीरियोडिक टेबल को याद करना आपके लिए एक सबसे बड़ी नेसेसिटी है, उसको आप याद करें, जरूर करना भी चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उसको याद कैसे करें, क्योंकि बहुत बड़ी है पीरियोडिक टेबल, ठीक है, एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, याद करें तो करें कैसे। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, विद अ फनीएस्ट वे, एनिमेटेड वे से मैं आप लोगों को पीरियोडिक टेबल आज याद कराऊंगा इस सेशन में, और 30 मिनट में हम लोग ट्राई करेंगे इसको खत्म करने का। सो चलिए गाइस, ऑनलाइन पाठशाला के वार्म अप सेशन नंबर 2, जिसमें हम लोग पीरियोडिक टेबल को आज याद करेंगे, लर्न करेंगे, और आप लोग मेरे साथ साथ ही चैट सेक्शन को यूज करोगे और प्रॉपरली लिखोगे कि हाँ हमें ये पर्टिकुलर ग्रुप या फिर ये पर्टिकुलर पीरियड याद हो गया, ठीक है। और अगर आपने ऐसा किया तो तब मैं समझूंगा कि हाँ मैं सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। सो ओवरऑल ये आज के सेशन का फंडामेंटल क्राइटेरिया है, ठीक है, याद रखना, और आज एंजॉय करने वाले हैं, दैट्स इट। तो वार्म अप मैचेस का यानी कि वार्म अप वीडियोस का मकसद ही यही है कि हम लोग कनेक्ट कर सके और आपको हम लोग आने वाली वंडरफुल क्लासेस के लिए प्रिपेयर करवा सके। तो चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं ऑनलाइन पाठशाला वार्म अप लेक्चर नंबर 2, प्रायोरिटी टेबल फनीएस्ट वे से याद कैसे करें, ठीक है। चलो स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं यहां पर जो बच्चे अभी लाइव हैं उनका मैं नाम ले देता हूं, जैसे कि ख्याति है, अगर आप चाहते हैं मैं आपका नाम लूं तो एक बार हाय जरूर लिखो। नेहा, दीप्ति, शिप्रा, सुप्रिया, इंडियन रहनुमा, वाओ व्हाट अ नेम, रहनुमा, सोनम, और अब स्क्रोल अप हो रहे हैं, आज बच्चे आए हैं, भट, योगेश, पूजा, उसके अलावा सुनील, यश, प्रशांत। और मैं आपको गारंटी देता हूं पीरियोडिक टेबल को याद करने का इससे बढ़िया सेशन आपने कभी नहीं देखा होगा। सो बहुत ध्यान से देखना, और जब याद हो जाए तो चैट सेक्शन में जरूर लिखना कि सर मुझे एक ग्रुप याद हो गया, मुझे पीरियड याद हो गया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो याद करने का तरीका क्या होगा, याद करने का तरीका क्या होता है, आज के सेशन में बहुत सारी चीजें मिलेंगी। याद करने का तरीका है कि हम लोग ऐसे कुछ न्यूमैनिक्स बनाएं जिससे हमें याद हो जाए। अब क्वेश्चन ये है कि न्यूमैनिक होता क्या है, ठीक है। सो शुरू करते हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले एक वंडरफुल इंफॉर्मेशन, जो कल भी कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि नया बैच कब शुरू हो रहा है, तो ऑनलाइन क्लास पाठशाला के जो रियल बैचेज है फॉर नीट इन दिस चैनल, वो 11th of June से शुरू हो रहे हैं, विच इज एंटायरली फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, इसका कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। सो नए बैचेस हम लोग 11th of June से शुरू कर रहे हैं और 11th 12th नीट के पढ़ियों से प्रिपरेशन कराएंगे, 11 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, फ्री बैचेस हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आप लोगों को जानने की जरूरत थी। चलिए सो फाइनली हम लोग पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं न्यूमैनिक से। सवाल ये है कि न्यूमैनिक होता क्या है और हमें न्यूमैनिक की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो इसका जवाब मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से समझना कि हाँ न्यूमैनिक होता क्या है और उसकी हमें जरूरत क्यों है, ठीक है। सो चलो आपको इसको देख के क्या याद आता है, सब लोग बताओ मुझे कि यहां पर ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसको देख के आपको क्या याद आता है। आप लोग याद करो, जब आपके पापा ने गलती से आपको पूछ लिया कि भैया बेटा एक बात बताओ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं या फरवरी में कितने दिन होते हैं, मार्च में कितने दिन होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, अप्रैल मई में कितने दिन होते हैं, सब लोगों को ये पिक्चर याद होगा, तो हम लोग क्या करते हैं यहां से काउंटिंग करते हैं, याद है आप लोगों को, इस तरह से याद है, दिस इज जनवरी, सो दिस इज फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, याद है, आप अपने इसका यूज करते हो। सो इसको कहते हैं न्यूमैनिक। न्यूमैनिक का मतलब होता है चीजों को आसान तरीके से रिप्रेजेंट करें ताकि हमें याद हो जाए। सो यहां से अगर हमने शुरू किया जनवरी, तो ये क्या है, एक उभरा हुआ पार्ट है, ठीक है। सो इन दैट केस यहां पर 31 डेज होंगे, फरवरी में नीचे चले गए तो दिन कम हो जाएंगे, मार्च में ऊपर आ गए तो 31 डेज होंगे, याद है ना, अप्रैल में नीचे आ गए तो इसका मतलब दिन 30 होंगे, फरवरी एक एक्सेप्शन है जिसमें 28 और 29 डेज होते हैं,
28 डेज जनरली होते हैं, 29 दिन कब होते हैं हमको सबको पता है, ठीक है। सो फाइनली ये एक तरह का न्यूमेरिक है जो हमको बचपन में सिखाया गया था, कल को कोई पूछ ले दिसंबर में दिन कितने होते हैं तो हम लोग फटाफट से काउंटिंग करके बता सकते हैं कि ओवरऑल देखो दिस इज जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इजंट इट। तो ये आपको क्या दे रहा है, ओवरऑल आइडिया दे रहा है कि दिन कितने होंगे। याद है न्यूमेरिक बचपन में सीखा था, यस और नो में आंसर करके बताओ, है ना, याद है कि नहीं याद है सब लोगों को। हमारे तो हमारे टीचर ने ऐसे ही सिखाया था, आप लोगों को भी सिखाया होगा। यस और नो में आंसर दो। जितेंद्र नेहा बोलो ना क्या, रुशाली जितेंद्र भास्कर बताओ, यस याद है ना सब लोगों को। अब मैं आपको बहुत बढ़िया जगह बहुत बढ़िया चीज बताता हूं, ध्यान से समझना। इसको हम लोग न्यूमेरिक बोलते हैं जो चीजों को आसान बनाता है, जो रिप्रेजेंटेबल बनाता है, मतलब जिससे आप आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। दैट मस्ट बी सम क्वर्की, ये कुछ विचित्र चीज है जो हमें हमारे सर ने बताई तो हमें याद भी हो गई। इसी तरह से चलो इस पिक्चर को देख के क्या याद आता है, ये भी एक न्यूमेरिक है और ये बहुत ही वंडरफुल न्यूमेरिक है। आपने कभी किसी बंदे के हाथ में इतना बड़ा कॉफी का कप देखा है क्या, इतना बड़ा कॉफी का कप देखा है क्या? और मजे की बात इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये बहुत ही क्वर्की पिक्चर है और यहां पर एक उस पिक्चर से रिलेटेड एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखा है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। अब ये जो लिखा है ना मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, ये एक न्यूमेरिक है। कैसे, मैं उसका आंसर करता हूं। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, बताओ किस किस को पता है चैट सेक्शन में मुझे बताओ कि इस पिक्चर को देख के जो चीज हमें याद आती है वो तुम्हें पता है, किस किस को पता है, देखे किस किस को पता है कि न्यूमेरिक का मतलब क्या है। समझिए, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, किस किस को पता है कि ये कंटेनर को देख के मुझे कोई चीज याद आती है, कोई बता सकता है? कैन एनीबडी गेस दिस? नहीं पता है ना, तो ये एक न्यूमेरिक है। चलो मैं आपको इसका तरीका बताता हूं और ऐसे ही न्यूमेरिक हम लोगों को यूज करने हैं पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए। आप सब लोग काउंटिंग करो, सब लोग बताओ एम ए वाई मे में कितने आपको दिख रहे हैं लेटर्स, तीन, यस और नो, एम ए वाई टोटल लेटर्स कितने हैं, तीन। आई में क्या दिख रहा है आपको, सिर्फ एक लेटर दिख रहा है, सही है। अल्फाबेट कितने दिख रहे हैं, वन। यहां पर हैव में कितने दिख रहे हैं अल्फाबेट, फोर। ए में कितना दिख रहा है, वन। लार्ज में कितना दिख रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, सही है, ये एक संख्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेनर में कितने दिख रहे हैं, काउंट करो, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, सो ये नाइन। ऑफ में कितने दिख रहे हैं, दो। कॉफी में कितने दिख रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो सिक्स। अब आपको पता है ये नंबर क्या है, ये है द वैल्यू ऑफ पाई, अल्टीमेट, लुक एट इट, 3.1415926। पाई एक ऐसा सिंबल है जिसकी वैल्यू इंफानाइट होती है। अब आप क्यों, मजे की बात, आपको अगर ये लाइन याद है तो आपने पॉइंट के बाद कितने नंबर तक पाई का वैल्यू याद कर लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, 3.7 स्पेसेस पर, 7 प्लेसेस पर आपको वैल्यूज याद हो गई। अगर आपको ये फोटो याद है, अगर आपको ये लाइन याद है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी, इसका मतलब आपको पाई का वैल्यू याद हो गया, वो भी 7 प्लेसेस तक। चमत्कार हो गया यार, किसको याद होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं चैट सेक्शन में सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताना, आज से पहले तक क्या तुम्हें पाई का वैल्यू पॉइंट के बाद 7 वैल्यूज तक याद था क्या? नहीं याद होगा, लेकिन आज याद रहेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वर्की पिक्चर आपके सामने है और उससे रिलेटेड एक लाइन आपके सामने है। सो ये पिक्चर और ये लाइन आपको कुछ बता रही है, बोल रही है। सो फाइनली वो क्या कह रही है, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। आप सिर्फ अल्फाबेट्स काउंट कर लो, सो फाइनली आपके पास 3.1415926 ये वैल्यू आ गया पॉइंट के बाद 7 स्पेसेस तक पाई का, 7 प्लेसेस तक पाई का वैल्यू आ गया। पावर देख रहे हो न्यूमोनिक की। सो दिस इज कॉल्ड न्यूमोनिक, अ लार्ज, मे आई हैव अ लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। इतना याद तो हमारा काम हो गया यार, हमने तो चमत्कार कर दिया। सो ऐसे ही न्यूमेरिक होते हैं। न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, चलो ये न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिक का मतलब होता है ये जिससे आपकी एक ऐसी लर्निंग टेक्निक है जिससे आप बहुत सारी ऐसी चीजें जो सीधे दिमाग में नहीं घुसती उसको बहुत आसानी से याद कर सकते हो, ठीक है। Mnemonic is a learning technique that helps us organize, retain and remember information by making recall easy.
ऐसी चीजें मैं आपके सामने अब रखने वाला हूं प्रायोरी टेबल को याद करने के लिए, जो क्वर्की होंगी, जो विचित्र होंगी। फोटो के साथ रखूंगा, जीआईएफ के साथ रखूंगा, जिससे आपको याद हो जाएगा। चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं। यह है पीरियोडिक टेबल जिसे हमें करना है याद। आज का हमारा काम यही है वो पीरियोडिक टेबल। ध्यान से देखो इस पीरियोडिक टेबल को, यही है पीरियोडिक टेबल जो हमें याद करनी है, ठीक है, जिसको बनाने में 200 साल लगे। इस पीरियोडिक टेबल को याद करना है। सेक्शन कौन कौन से हैं? ये है हमारे पास एस ब्लॉक, लुक एट इट नाउ, दिस इज एस ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास पी ब्लॉक, नाउ दिस इज पी ब्लॉक, ओके। ये है हमारे पास डी ब्लॉक, नाउ दिस इज डी ब्लॉक, और नीचे है हमारे पास एफ ब्लॉक। बहुत मेहनत लगी है इसको बनाने में। अब इन एलिमेंट्स को याद कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको एस ब्लॉक को याद करना है टॉप टू बॉटम, हमेशा याद रखो। एस ब्लॉक को और पी ब्लॉक को आपको टॉप टू बॉटम याद रखना होता है ग्रुप वाइज, लेकिन डी ब्लॉक को आपको याद रखना होता है पीरियड वाइज, ठीक है। सो आज मैं आप लोगों को एस और पी ब्लॉक तो ग्रुप वाइज याद कराऊंगा, लेकिन डी ब्लॉक में आपको पीरियड वाइज याद कराऊंगा। और इसको देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी की पूरी प्रायोरिटी टेबल याद हो जाएगी। और जब जब आपको एक ग्रुप याद हो जाए, आप चैट सेक्शन में जरूर लिखेंगे कि मुझे याद हो गया। चलो फटाफट से शुरू करते हैं। एस पी डी एफ, इसको याद करना जरूरी है। आप ये ध्यान रखिएगा कि हमको ये लास्ट वाला याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही इनको याद करने की खासी जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी टेबल आपको याद होनी चाहिए अगर आप अपने 11th और 12th की प्रिपरेशन को केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा करना चाहते हैं। तो चलेगा इस फटाफट से शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिक हम लोग स्टार्ट करते हैं किसके थ्रू? ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। ध्यान से समझना, ये है ग्रुप नंबर 1 एस ब्लॉक, जिसको हम लोग एल्कली मेटल कहते हैं। सामने हमारे पास एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक है। क्या नजर आता है? देखो ये क्वर्की है, ये विचित्र है, और इसको देख के आपको कुछ चीज समझनी है। यहां पर मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगा और उसके थ्रू क्या हो रहा है उसके थ्रू याद भी करवाऊंगा। सो ये एक आपको दिख रही होगी कि ये मोहम्मदन या मुस्लिम लड़की है जो कि ऊपर वाले से दुआ कर रही है। बस इसका नाम समझ लीजिएगा फाइनली, इस लड़की का नाम क्या है। सो इस लड़की का नाम है हलीना। क्या नाम है? हलीना। सो इसका नाम है हलीना, ठीक है। अब ये हलीना नाम की लड़की ऊपर वाले से फरियाद कर रही है। सो इतनी सी चीज है, ध्यान से देखो। सो फाइनली इसको याद कैसे करोगे, जरा ध्यान से इसको चेक करना। मैं यहां लिख देता हूं यहां पे हलीना, ठीक है, नाम की लड़की है हलीना की रब से फरियाद। बस ये इतनी सी लाइन याद करनी है। अब आप देखो कौन कौन से एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, उसके बाद कौन है, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम। याद कैसे करोगे? ह ली ना, वो रही हलीना की रब से फरियाद। ये लो मेरा लाइन तैयार। आता है समझ में? इट इज क्वर्की। आप इससे देख के समझ भी गए, याद भी हो गया, और हमारे पास हमारे एलिमेंट्स हमें ध्यान में आ गए। हलीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम, मोस्ट सुपर एक्टिव मेटल्स हैं ये, जिनको हम लोग एल्कली मेटल्स भी कहते हैं। ग्रुप नंबर 1 में एस ब्लॉक में आते हैं। अब जिस जिसको ये याद हो गया वो एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो, लाइन देख लो, हलीना की रब से फरियाद। एलिमेंट मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, देर इज अ गर्ल कोल्ड हलीना जो रब से फरियाद कर रही है। सो किस किस को याद हो गया बताओ? सोनम कटियार इज लाफिंग राइट नाउ। सबको याद हो गया? अब ये याद करने हैं बेटा, है ना, बहुत बढ़िया है, याद कर लो इसको, इट विल हेल्प यू अ लॉट। जिस जिसको याद हो गया एक बार यस जरूर लिखो कि हाँ सर याद हो गया, बहुत बढ़िया। स्पेशली 10th से 11th और 11th से 12th के बच्चे हैं, आज पूरी पीरियड टेबल याद करनी है आपको मेरे साथ। और सब लोग क्या करोगे, बिल्कुल सब लोग अभी के अभी चैट सेक्शन में इस लाइन को लिखोगे, लिखो हलीना की रब से फरियाद, जिससे मुझे मालूम पड़ जाए कि एक एक बच्चे को ये याद हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इट्स रियली गुड। काफी लोगों ने लिख दिया है हलीना की रब से फरियाद। चलो तो पहला वाला लाइन हमें याद हो गया, फर्स्ट लाइन हमें याद हो गया। नाउ शी इज यू नो प्रेइंग टू द गॉड
ठीक है, वो प्रे कर रही है और उससे आप अल्कली मेटल याद कर सकते हो, हलीना की रब से फरियाद। और यहां से हमने याद कर लिया हमारे अल्कली मेटल्स, चलो याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब अगले पर चलते हैं, आप देखो ना, दिस इज माय फेवरेट, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप नंबर 2 के एस ब्लॉक के मेटल्स हैं। अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन कौन से हैं? दैट इज बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। दोबारा बोलता हूं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम एंड रेडियम। सवाल यह है कि इनको ऊपर से नीचे तक याद कैसे करें, तो ये रहा उसका निमोनिक, लुक एट योर फादर एंड लुक एट सन, इजंट इट? बेचारे देखो आप कितना कितना हेल्प करते हैं, आपके पापा को याद करो, है ना, आपको पुराने दिन याद आ जाए, अपने अपने बचपन के दिन याद आ जाएंगे। अब ये बेटा जो है पापा को कान में बोल रहा है, क्या बोल रहा है देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है। सो मतलब ये है कि ये जो बेटा है वो बाप से कार और स्कूटर मांग रहा है, ठीक है, और बाप खुश हो रहा है, देखो, है ना। और ये खिलौने हैं बाय द वे, दीज आर टॉयज। सो फाइनली बेटा मांगे कार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। समझ में आया? नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल। चलो मैं लिख देता हूं यहां पे, सब लोग ध्यान से देखना। ये है हमारे पास बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बाप, ठीक है। अच्छा हिंदी में लिख देता हूं, somebody is not understanding this thing, चलो। सो फाइनली यहां पर बाप राजी, तो इतना सा लिखना था, बेटा मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब स्ट्रोंशियम, बाप मतलब बैरियम, राजी मतलब रेडियम। That's so beautiful, है ना, पापा की याद आ गई, है ना, बचपन की याद आ गई, कैसे आपको आपके पापा कंधे पे रख के झुलाया करते थे, तो ये वही लाइन है, ऐसे याद कर सकते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। देखो कभी कभार हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई टीचर ऐसा होता है कि टीचर मस्ट बी टीचर, नहीं, हम आपको यहां पर आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए है, और मैं चाहता हूं कि आपको एक एक चीज याद हो जाए, क्योंकि हमें हमारे टीचर्स ने ऐसे याद करवाया था, तो मैं आपको याद करवा रहा हूं। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, दिस इज द लाइन। आप लोग इन पिक्चर्स के थ्रू आसानी से इसको याद कर सकते हैं, और जिस जिसको याद हो गया इनको देख के और पापा की याद आ गई, एक बार अपने पापा के लिए जरूर लिखो, यस पापा वी लव यू, यस पापा आई लव यू, लिखो बुकाटी, समबडी से बुकाटी चाहिए मुझे, हाँ किस किस को याद हो गया, यस लिखो सब लोग कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर मुझे याद हो गया और बहुत ही वंडरफुली क्राफ्टेड है, हाँ मुझे याद हो गया, चलो इतना सा लिख दो, बहुत है। चलो दिलीप ने लिख दिया है, श्रुति, सोनम, महेश, अरुणा, बहुत सारे बच्चे हैं, क्या बात है, अदिति, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया, अंकित, बहुत बढ़िया। चलो तो हमारा ग्रुप नंबर 2 हमें याद हो गया, सब लोगों ने देख लिया, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, है ना, आसान है ना, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम, अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं इनको, सबको पता होना चाहिए। तो यहां तो हमारा ग्रुप नंबर 2 हो गया है खत्म। फिर से देख लो, ध्यान से देख लो, पापा की याद आएगी, कितने अच्छे लग रहे हैं सब। चलो सो अब चलते हैं ग्रुप नंबर 13 पे। अब यहां पर हम लोग ग्रुप नंबर 13 पे चलते हैं। नाउ ग्रुप नंबर 13 में क्या क्या है हमारे पास, ग्रुप नंबर 13, ठीक है, जिसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं, उसमें है बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। दोबारा बोलता हूं, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13 और पी ब्लॉक का ये ग्रुप है, जो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो पी ब्लॉक में भरा जाता है, और यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसको हम लोग बोरॉन फैमिली कहते हैं। आप याद कैसे करोगे, कैसे याद करें बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम को, बहुत आसान है, जरा ध्यान से देखो यहां की पिक्चर्स को, क्या दिख रहा है यहां पे आपको, दिख रहा है बैंगन, आलू, गाजर और एक है थैला। तो वो क्या लगता है, अगर आपके पास ये सब्जियां हो और थैला हो तो क्या करोगे आप, बैंगन, आलू, गाजर को इसमें डालोगे और लेके जाओगे घर पे। फाइनली वहीं से न्यूमैनिक भी है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, समझ में आया, दैट इज बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नाउ दिस इज रियली वेरी सिंपल, सब लोग लिख लीजिए, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये लो बैंगन, आलू, ठीक है, गाजर इन थैला, इन थैला। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा पढ़ाना पड़ेगा, पर मजा आ रहा है ना। सो फाइनली बैंगन बने बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम,
इंडियम थैलियम येलो। सो फाइनली यहां पर हो गया बैंगन आलू गाजर इन थैला। किस किस को समझ में आ गया और किस किस को भूख लगी एक बार मुझे बताओ फटाफट से चैट सेक्शन में कि हाँ सर हमें समझ में आ गया। सो फाइनली यहां पर क्या क्या है, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बोरोन एल्युमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम, याद करना आपको ठीक है और याद होना चाहिए सब लोगों को। बहुत बढ़िया, मजा आने वाला है। बैंगन का तो लोग भरता बनाने वाले हैं आज और आलू की सब्जी खाएंगे और गाजर की सब्जी खाने वाले। सो फाइनली हमारे पास हो गया इसका न्यूमेरिक, हो गया कि नहीं हुआ, बोरोन फैमिली खत्म फिनिश ठीक है। और ये विचित्र चीजें आपको जल्दी याद करवाएंगे, आपकी हेल्प करेंगे और मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जूनियर्स को, आपके भाई बंधुओं को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, उनको शेयर करो और दूर तक लेके जाओ। अगला फैमिली है हमारे पास, यस ऑफ कोर्स कार्बन फैमिली। कौन कौन से मेंबर्स है, दैट इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, है ना। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब यहां से थोड़ा मेरे को मेरे है ना 11th 12th के दिन याद आ जाते हैं, जब मुझे याद करवाया था तो मैं बहुत हंसा था, है ना। सो दैट इज कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड, याद कैसे करोगे। अब याद करने का तरीका देखो, बोलता हूं कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, लेट अस सपोज वी हैव थ्री गर्ल्स इन अवर क्लास, ध्यान से देखो यहां पे जो दिख रहा है तो इसको हम नाम दे देते हैं गीता, इसको नाम दे देते हैं स्नेहा और इसको नाम देते हैं प्रभा, ठीक है। सो याद हो गया कौन सी, कल को आपके पापा पूछ ले बेटा किस किस के साथ घूमते रहता है तू, हाँ ये कौन है ये गीता स्नेहा प्रभा, तो यू कैन आंसर कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, मुझे तो नहीं पता। सो फाइनली कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, दिस वुड बी द न्यूमेरिक, दिलीप कॉल को आज मजा आ रहा है। सो फाइनली कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, एंड दैट इज रियली वेरी सिंपल, कौन सी गीता स्नेहा प्रभा, याद हो गया सब लोगों को, बहुत बढ़िया। सो फाइनली इसको इस तरह से आप याद कर सकते थे, इट्स रियली वेरी सिंपल, गीता स्नेहा प्रभा, तीन लड़कियां जो आपकी क्लास में पढ़ती हैं तो आपको बोल रहा है कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। चलो अब हमें याद हो गया ठीक है, कौन सी मतलब कार्बन, सी मतलब सिलिकॉन, उसके बाद गीता मतलब यहां पर जर्मेनियम, स्नेहा मतलब एसएन, देन टिन लेड SNNPB, याद हो गया सिंपल। चलो जिसको याद हो गया एक बार चैट सेक्शन में जरूर लिखो, ये हमारा 14 नंबर ग्रुप खत्म हो गया। देखो यहां पर तीन लड़कियां हैं गीता स्नेहा प्रभा, जिसको आप जानते नहीं तो आप बोल रहे हो कौन सी गीता स्नेहा प्रभा। अगला बहुत ही बढ़िया है जिसका पिक्चर मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा, बट इनको हम लोग निक्टोजेंस कहते हैं, निक्टोजेंस ग्रुप नंबर 15 के पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, इनको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। अब नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से मेंबर्स हैं लिख लीजिए, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, लिख लो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ। अब क्वेश्चन ये है कि इसको याद कैसे करें, तो इसके लिए आपको सामने एक लड़का है जो बड़े प्यार से गिलास में से कुछ रखा हुआ है, उसको पी रहा है, देखो कितने लगाव से पी रहा है ठीक है। अब क्या पी रहा है हमें आइडिया नहीं है, पर अगर ये वो चीज पी रहा है जो पब्लिकली नहीं पीनी चाहिए तो आप क्या बोलोगे, आप यही कहोगे ना पी ऐसे सबके बीच, सही है यही कहोगे ना। अगर ऐसी चीज पी रहा है जो नहीं पीनी चाहिए तो क्या बोलोगे, ना पी ऐसे सबके बीच, तो इसका मतलब ना पी ऐसे सबके बीच, ये लो नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ, ना पी ऐसे सबके बीच। नाउ ये लाइन होगा, अब बच्चे हंस रहे हैं और देख रहे क्या है, नाउ हमें तो पता नहीं है क्या है ठीक है, बट हमारे यहाँ केमिस्ट्री हम सब बात करते हैं, नहीं वॉटर इजंट इट H2O एल्कोहल। तो चलो फाइनली ना पी ऐसे सबके बीच, आप समझ ही गए हो कि क्या है क्या नहीं है, बट किसी के सामने नहीं पीना चाहिए, सबके बीच में नहीं पीना चाहिए। सो दैट इज ना पी ऐसे सबके बीच ठीक है, इसको हम लोग निक्टोजेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं। और आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसको याद कैसे करना है, नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मिथ, इट्स सो इजी। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे, चेलकोजेंस तो कैसे याद करोगे चेलकोजेंस को, बताओ मुझे। देखो चेलकोजेंस बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली को, उसमें कौन कौन से हैं, ओ स्टाइल, देखो ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलूरियम एंड पोलोनियम, सवाल है याद कैसे करोगे। सो इन दैट केस आपको याद कैसे करना है, बहुत सिंपल है, ओ आप सबसे पहले क्या लिखोगे, ओ किसी को बुला रहे हो, ओ स्टाइल
स्टाइल से टीपो। अब टीपो का मतलब राजस्थानी में क्या होता है, मैं राजस्थान से हूं, पंजाबी में भी यही बोलते हैं, टीपो का मतलब चीटिंग करना। अब आप इस पिक्चर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ी देर में देखोगे कि यहां पर ये जो करेक्टर है वो बहुत अच्छी तरह से टीप रहा है, टीप मतलब चीटिंग कर रहा है। सो इन दैट केस ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम एंड पोलोनियम, ये हो गया हमारे पास न्यूमेनिक एंड ये उसकी पिक्चर है। इस पिक्चर में ये बंदा इसकी चीटिंग कर रहा है, थोड़ी देर में दिखाता हूं। बस इसको याद करने का तरीका क्या है, चेल्कोजेंस को ओ स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलूरियम, पोलोनियम, स्क्रीनशॉट ले लो चेल्कोजेंस का। चलो मैं आपको दिखाता हूं, इस पिक्चर को ध्यान से देखो, है ना, किस तरह से चीटिंग कर रहा है, जरा देखो, ठीक है। सो फाइनली इसको देख के याद हो जाएगा कि हाँ लुक एट इट, इट्स रियली फनी। सो फाइनली चीटिंग कर रहा है और इसे याद हो जाएगा ओ स्टाइल से टीपो। सो स्टाइल से टीपने का, इसने उसको बोला वहां देखो, उसने वहां देखा, उसके बाद चीटिंग की। सो ओ स्टाइल से टीपो। अभी चेल्कोजन के बाद हम लोग चलते हैं हेलोजन की तरफ। अगेन हेलोजन को याद कैसे करोगे, अभी आपको पीछे का न्यूमेरिक नहीं दिख रहा होगा लेकिन जो मैं इसकी लाइन बोलूंगा टैगलाइन तो मजा आएगा। तो जरा देखो ग्रुप नंबर 17 पी लोग क्या है यहां पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, याद कैसे करोगे, लुक एट इट, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, दैट इज। फिर कल बाहर आई आंटी, सो दैट्स फिर कल बाहर आई आंटी। सो यहां पर एक आंटी है जो बाहर आ रही है, आंटी कैसी दिख रही है मुझे पता नहीं पर मुझे तो यही मिला बाहर आते हुए, ठीक है। सो फिर कल बाहर आई आंटी, इसे आप याद कर सकते हो, इसको मैं लिख देता हूं आप चाहो तो, दैट इज फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। सो फिर मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, ये लो। फिर कल बाहर आई आंटी, सो फिर कल बाहर आई आंटी, है ना, कईयों ने तो चश्मे डाल लिए, ओ माय गॉड आंटी नहीं है, बट इसको आंटी जैसा ट्रीट करो क्योंकि तुम बच्चे हो, ठीक है। सो फाइनली कैसे याद करोगे, फिर कल बाहर आई आंटी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इट्स सो सिंपल, इस तरह से इसको याद करना है। ग्रुप नंबर 17 भी हमने क्या कर दिया, खत्म, ओके। सो इसको हटा रहा हूं, ग्रुप नंबर 17 बहुत सिंपल है, आंटी को ध्यान से देख लो और बोलो फिर कल बाहर आई आंटी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, चैट सेक्शन में लिख सकते हो, लिख लो आपको मजा आएगा। चलो अब हेलोजेंस हमने याद किए, ग्रुप नंबर 17 को हेलोजेंस बोलते हैं, और आपको न्यूमेनिक और पिक्चर से, न्यूमोनिक और पिक्चर से समझ में आ गया होगा याद कैसे करना है। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 18 में, ग्रुप नंबर 18 को याद कैसे करेंगे, चलो आपको पिक्चर में बाद में दिखाऊंगा, चलो देख लो पहले अभिकता क्या है। ये एक पेशेंट है, ठीक है, जिसका एक्सरे लिया जा रहा है, ठीक है। सो अब ले कौन रही है, ले कौन रही है उसको देखो, तो यहां पर ये एम्प्लॉई है, इसका नाम इधर, नाम क्या है इसका, या तो हीना है या फिर नीना है या फिर करीना है, हमें नहीं पता, वो तीनों जुड़वा बहने हैं, तो याद कैसे करोगे देखो। सो हीना, नीना और करीना एक्चुअली एक्सरे ले रही है, तो नाम याद करने का तरीका न्यूमोनिक बताता हूं, पिक्चर मैंने आपको दिखा दी, सिंबल पर चलते हैं, दैट इज हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन एंड रेडॉन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन एंड रेडॉन। देखो अब यहां पर इसको याद करने का तरीका क्या है, हीना, नीना और करीना जो भी एक्सरे लेती हैं वो होता है हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इट्स लाइक दैट। सो फाइनली ये पिक्चर आप इस तरह से याद कर सकते हैं, सो फनी, ठीक है, इसको लिख देता हूं, सब लोग चाहो तो लिख लो। आप इसको याद कैसे करोगे, हीना, नीना, ठीक है, और करीना, और करीना का एक्सरे रंगीन, ठीक है। तो इसीलिए सब लोग हीना, नीना और करीना से ही करवाते हैं, याद कैसे करोगे, हीना मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब ऑर्गन, करीना मतलब क्रिप्टॉन, ठीक है, का छोड़ दो, एक्सरे मतलब ज़िनॉन, रंगीन मतलब रेडॉन, आरएन, ये लो। तो हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, दैट इज रियली वेरी सिंपल, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़िनॉन एंड रेडॉन, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। किस किस को याद हो गया चैट सेक्शन मुझे लिख के बताओ कि हाँ सर हमें अभी फाइनली याद हो गया, ठीक है, किस किस को याद हो गया, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका चाहो तो, ठीक है। हीना, रीना और करीना किसी का भी एक्सरे लेती है, बड़ा ही रंगीन आता है,
सिंदाट के सभी पेशेंट उसके पास ही जाते हैं एक्सरे निकलवाने। सो आंसर इज हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। चलो सो फाइनली ये हमारे पास हो गया। ध्यान से हीना नीना और करीना को देख लो और हमारे ये अंकल को भी देख लो कितने खुश हो रहे हैं रंगीन एक्सरे करवा के। सो दिस इज हीना नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। सो यहाँ हमारे नोबल गैसेस याद हो गए हमें, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन एंड रेडॉन। यहाँ पर हमने ग्रुप नंबर 18 तक फिनिश कर लिए। सो बहुत सारे न्यूमेरिक हमने खत्म किए और मैंने ग्रुप वाइज आपको याद करवाया। अब यहाँ पर हम लोग ट्रांजिशन मेटल को देखेंगे। इसके लिए मेरे पास कोई पिक्चर नहीं है पर मेरे पास इसके लिए टैगलाइन जरूर है, आप सब लोग लिख लो। देखिए यहाँ पर ये है पीरियड नंबर 4 जिसको आपको डी ब्लॉक के लिए याद करना होता है। यहाँ पर ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब यहाँ पर आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज। ये है आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। अब याद कैसे करोगे? इट्स रियली वेरी सिंपल। यहाँ पर संस्कृत का एक लाइन है, वो क्या है? सप्ति वक्र मन फीको नीकू जन। अब आप कहोगे सर ये क्या है, जरा देखो सक, ठीक है थोड़ा चेंज कर देता हूं, सक ती वक्र मन फी को नी कु जन। अब ये संस्कृत लाइन है, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। सब लोग चैट सेक्शन में लिखो शक्ति वक्रमन फीको निकुजन। दैट्स रियली वेरी सिंपल, शक्ति वक्रमन फीको निकुजन आसान है। अब उसको याद कैसे करोगे? देखो सक यानी कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। ये लो शक्ति वक्रमन फीको निकुजन याद हो गया, ठीक है इजी है। शक्ति वक्रमन फीको निकुजन बहुत इजी है, स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो बार लिखोगे चैट सेक्शन में लिखो, एक दो बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। याद हो गया, लिख लो इसको बराबर अपनी कॉपी में, चैट सेक्शन में लिखो ज्यादा याद होता है। सो शक्ति वक्रमन फीको निकुजन इस तरह से इसको याद कर सकते हो। मैं हट जाता हूं एक बार, आप इसका क्या ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अब ट्रांजिशन मेटल में आगे कैसे याद करोगे? ठीक है ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 4 हो गया, अब हम चलते हैं ट्रांजिशन मेटल के पीरियड नंबर 5 में। अब यहां तक कोई याद नहीं कराता, ये भी मैं आपको याद करवाता हूं, जरा ध्यान से इसको चेक करना, अब ध्यान से समझना इसको, ठीक है। अब ये ट्रांजिशन मेटल का पीरियड नंबर 5 है, डी ब्लॉक का याद कैसे करोगे? सो इट्स लाइक देखो ये है यट्रियम, जर्कोनियम, नमीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुइडियम, रहोनियम, पैलेडियम, ये सिल्वर और ये कैडमियम। याद कैसे करोगे आप ध्यान से देखना अपनी बुक में, मैं आपको लाइन बता रहा हूं, यहां पर लिखता हूं वाई, समबडी इज आस्किंग वाई, इट्स लाइक वाई। जर्नब, जर्नब इज अर्नब, तो सुना होगा अर्नब गोस्वामी, बहुत ही फेमस एंकर है, न्यूज एंकर, तो उसके भाई है जर्नब, वाई जर्नब। अब आगे लिखता हूं मुंह, ठीक है तक, मुंह तक रियूरे, ठीक है इट्स रियली फनी, ठीक है मुंह तक रियू, ठीक है इसको लिख देता हूं ऐसा, मुंह तक रियू रे। पढ़ AGCD। अब हो क्या रहा है, एक टीचर है क्लास में, बहुत बड़ी क्लास है, उसमें जर्नब नाम का लड़का है। अब टीचर जर्नब को बोल रहा है, कह रहा है कि जर्नब तू मेरा मुंह क्यों ताक रहा है, कुछ पढ़ ले, पढ़ ABCD। अब वो टीचर है, वो भी महान है, तो क्या कर रहा है, वाई वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, पढ़ AGCD। उसको ABCD याद नहीं है, उसको बोला पढ़ AGCD। इट्स लाइक वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, मुंह क्यों ताक रहा है, ABCD पढ़ ले। तो वो ए बी नहीं बोल पाया, स्पीड में AG बोल दिया। इन दैट केस वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, पढ़ AGCD। देखो वाई जर्नब मुंह तक रियो रहे, पढ़ AGCD। ऐसे होता है राजस्थानी। अब देखो हम तो राजस्थानी है, ठीक है हम राजस्थानी क्लासेस में पढ़े हुए हैं, अब वहां के टीचर हमारे महान होते हैं, उन्होंने हमें ऐसे सिखाया, बट इट्स रियली फनी, जरा ध्यान से इसको चेक कर लेना, वाई जर्नब मुंह तक रियो रे, पढ़ AGCD। सबको समझ में आया? तो यहां पर पीरियड नंबर 5 हो गया फिनिश, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी पंकुड़ी मैम का भी इवेंट है, लाइव इवेंट बायोलॉजी के लिए। अब लास्ट ग्रुप नंबर 6 भी याद करना पड़ता है, ट्रांजिशन मेटल लेंथेनम आता है 57 पे, उसके बाद यहां पर हॉफनियम से शुरू होता है और जाता है मर्क्यूरी तक। याद कैसे करोगे?
तो उसका भी लाइन आपको बता देता हूं, सब लोग लिख लो, लास्ट है, दैट इज ला हफ्ता, ला हफ्ता, ठीक है, ला हफ्ता, डब्लू नाम का लड़का है, डब्लू नाम का लड़का है, उसको बोल रहे कि हफ्ता ला, सो ला हफ्ता डब्लू रे, और उसके बाद आपको याद करना है इसकी न्यूमोनिक जो है मैंने बनाई नहीं थी, हमारे टीचर ने भी नहीं बताई थी, लेकिन ऑस्मियम को याद करने का तरीका आसान है, सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट यही दिखाता है, इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ये देखो यहां से ये अल्टीमेट मेटल्स हैं जिसमें इरिडियम प्लेटिनम को आप यूज करते हो एज अ कैटलिस्ट, गोल्ड एंड मर्क्यूरी तो फेमस है ही, आपको सबको पता ही, सो यहां से ला हफ्ता डब्ल्यू रे, और देखो यहां पर जो हफ्ता मांग रहा है वो क्या क्या चीज मांग रहा है, कहता है या तो ओस्मियम दे दे, इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड और मर्क्यूरी कुछ भी दे दे, सब महंगा है, सो इट्स लाइक कि ला हफ्ता डब्ल्यू रे, वो हफ्ता इन टर्म्स ऑफ ओस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, सो फाइनली यहां से हमने कर दिया हाथ खड़े, पीरियड नंबर 6 हो गया है खत्म, और यहां से आपको याद होना चाहिए ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ठीक है, और वो हफ्ता किसी भी वे में दे सकता है, ठीक है, एंड दैट इज ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, ठीक है, सो फाइनली यहां पर है हमारे पास ग्रुप नंबर 6, तो यहां तक की टेबल आपको याद होनी चाहिए, मैंने आपको सब याद करने का तरीका बता दिया, ला हफ्ता डब्ल्यू रे, ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, इन टर्म्स ऑफ ऑस्मियम इरिडियम प्लेटिनम गोल्ड एंड मर्क्यूरी, सो फाइनली गाइस हमने ये पूरा पीरियोडिक टेबल में सिर्फ नीचे वाले छोड़ दे तो सारा टेबल मैंने आपको कैसे न्यूमोनिकली याद करना है बता दिया है, ये वो वंडरफुल टेबल है जिसको 200 साल लगे, और आपको ये टेबल याद करनी है क्योंकि अगर आपको नीट का एग्जाम या फिर एम्स का एग्जाम पास करना है तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस, एंड प्लीज कमेंट लाइक एंड शेयर दिस वीडियोज, आप लोग याद रखिएगा ऑनलाइन पाठशाला का नीट के रिस्पेक्ट में बैच मेडिकल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट 11th ऑफ जून से शुरू हो रहा है, लेकिन आप लोग इसको शेयर नहीं करोगे तो कैसे चलेगा काम, सो प्लीज आप इसको शेयर करो और दूर तक लेके जाओ, चलो गाइज पंखुड़ी मैम का सेशन है अभी अगेन, वो भी बायो ले रही हैं वानी मैम और पंखुड़ी मैम, तो पंखुड़ी मैम के लाइव सेशन को आपको जरूर अटेंड करना है, चलो गाइज थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।